अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग भाई। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कल के दिन यानी कि 25 डेट को स्पेन में MWC का इवेंट हुआ है, जहां पर टेक्नो ने टेक्नोपोवा 6 Pro 5G को रिवील किया है। बेसिकली इस फोन का डिजाइन सामने आ चुका है, इस फोन की स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी है, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है रेहान, मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाता रहता हूं, तो इसी बात पर आप लोग वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। आप का एक लाइक मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, शेयर भी करना है, एक अच्छा सा कमेंट भी करना है, एंड फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इस फोन के डिस्प्ले से। बेसिकली इस फोन में 6.8 इंचेस के एक IPS पैनल मिलता है। नहीं भाई, IPS पैनल नहीं है, यहां पर आपको 6.8 इंचेस के एक AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। IPS पैनल जो है वो आप लोगों को टेक्नोपोवा 5 Pro 5G में मिलता है, लेकिन इस बार ये टेक्नोपोवा 6 Pro 5G में आप लोगों को 6.8 इंचेस के एक AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है, विद फुल HD प्लस रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। कोई प्रोडक्शन होगी या फिर नहीं ये तो अभी कंफर्म नहीं है, एंड सेंटर पंच होल के साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी भी प्रोवाइड की गई है, जिसकी हेल्प से आप लोग 2K में इजीली वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो ओवरऑल इस फोन का डिस्प्ले अच्छा होने वाला है, और यह चीज सुनकर मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि इस बार ही आप लोगों को टेक्नोपोवा सीरीज में AMOLED डिस्प्ले मिलने वाला है। डिजाइन को डिस्कस करूं तो डिजाइन भी स्मार्टफोन का काफी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है, लेकिन यहां पर डिजाइन जो है ना वो काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलेगा, जैसा आप लोगों को टेक्नोपोवा 5 Pro 5G में मिला है, सेम वैसा ही डिजाइन आप लोगों को टेक्नोपोवा 6 Pro 5G में भी मिलने वाला है। और ये फोन बैक से गेमिंग लुक प्रोवाइड करता है, और बैक पैनल पर आप लोगों को कुछ ट्रांसपेरेंट लाइट्स भी मिल जाएंगी, जैसी लाइट आप लोगों को टेक्नोपोवा 5 Pro 5G में मिलती थी, वैसा ही डिजाइन है, ऑलमोस्ट कुछ लाइट्स वगैरह भी मिल जाएंगी, मतलब कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो भाई बैक पर कुछ लाइट्स ब्लिंक करेंगी, जो कि काफी ज्यादा कूल लगती हैं। इसी के साथ इस फोन की बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है, मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का है, बाकी दो सेंसर ME सेंसर है, एक तो 2 मेगापिक्सल का है और तीसरा कोई AI सेंसर देखने को मिलता है। मेन सेंसर ही एक्चुअल में वर्क करता है, बाकी सिर्फ नंबरिंग गेम है और कुछ भी नहीं है। 108 मेगापिक्सल को ही लेकर चलें, यही एक्चुअल में वर्क करेगा। जब यह फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा, अनबॉक्सिंग करेंगे, तब आप लोगों को बताऊंगा कि भाई इस बारी कैमरे में कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की गई है। एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं तो भाई ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आने वाला है, साथ ही टेक्नो का लेटेस्ट UI यानी कि iOS का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। चिपसेट की बात करूं तो भाई चिपसेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिकली चिपसेट को अपग्रेड नहीं किया गया, यहां पर आपको सेम वही चिपसेट मिलता है जो आप लोगों को टेक्नोपोवा 5 Pro 5G में मिला है। मैं बात कर रहा हूं मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 की, जो 6 नैनोमीटर पर काम करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। एक तो ये 5G चिपसेट है, और ऊपर से ये चिपसेट इतना पावरफुल है कि स्मार्टफोन को इजिली स्मूथली चला लेगा, लेकिन फिर भी आने पर चेक करेंगे कि भाई स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस कैसी निकल कर आती है। मेमोरी वेरिएंट्स की बात करूं तो भाई अभी फिलहाल इस का सिर्फ एक ही वेरिएंट सामने आया है, जिसमें आपको 12GB रैम और 256GB रोम वाला वेरिएंट मिलने वाला है, और ये 12GB रैम असली वाली होने वाली है, ये नहीं होगा कि भाई इसमें एक्सटेंडेड रैम यूज की गई है, नहीं, इसमें आपको असली वाली 12GB की रैम मिलने वाली है। फर्दर कोई और वेरिएंट भी लॉन्च किया जाएगा, स्टिल इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। इसी के साथ डुअल सिम का स्लॉट भी होगा, लेकिन ये चीज अभी कंफर्म नहीं है कि इस बार यहां पर आपको SD कार्ड का स्लॉट प्रोवाइड किया जाएगा या फिर नहीं, आने पर चेक करेंगे तभी आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो भाई अभी ये चीज कंफर्म नहीं है, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि भाई इस बार टेक्नो जो है वो पोवा 6 Pro 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड करेगा या फिर अगेन साइड माउंटेड होने वाला है, ये चीज तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं बैटरी की, तो ये स्मार्टफोन टाइप सी के साथ आएगा, 6000mAh की बड़ी बैटरी होगी, जिसके साथ आप लोगों को 70 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, मतलब कि 70 वाट की फास्ट चार्जिंग होने वाली है। अब ये फोन काफी ज्यादा जल्दी चार्ज होने वाला है, 6000mAh की बड़ी बैटरी होगी, मतलब कि 1.5 से 2 दिन आप लोगों का इजीली निकल जाएगा। सो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो नोट आउट ये फोन स्पेसिफिकेशन के लिहाज से काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, लेकिन डिपेंड करेगा कि टेक्नो वाले इस फोन की पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस क्या रखते हैं। टेक्नोपोवा 5 Pro 5G को जब पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया था 8GB रैम 256GB रोम वाले वेरिएंट के साथ, तब 60,000 रुपए प्राइस थी, यानी कि 58,000 रुपीस प्राइस थी, 60,000 रुपए में लोग सेल कर रहे थे। अब जो उसकी प्राइस है वो 45,000 रुपए है। मेरे हिसाब से ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में 45,000 to 50,000 या फिर मैक्सिमम 55,000 रुपीस की प्राइस में लॉन्च हो जाना चाहिए। वैसे स्पेसिफिकेशन इतनी भी ज्यादा तगड़ी नहीं है, 55 लास्ट है भाई, 55,000 के अंदर ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो जाना चाहिए। अगर इससे ऊपर आता है तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन ओवर प्राइस कंसीडर होगा। सो भाई कैसी लगी आप लोगों को एक्सक्लूसिव न्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फर्दर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट में आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिलता तो डेफिनेटली आप लोग इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करें, मैसेज करें। अब जो बंदा फॉलो ना करके मैसेज करेगा उसको मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, जो बंदा फॉलो करके मैसेज करेगा उसको मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सब्सक्राइब वगैरह कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।